said I'm doing stand-up comedy for the first time? Neha Dhupia was also doing stand-up. Didn't you see that? No, it was great fun. It was great fun. Also, it's an award night, and it was like a little section for me to go and entertain the people. And I think I managed to, and I really enjoyed it. What kind of response did you get from the audience? You didn't come here? I've been here. You've come late. You got a good response. Intel and the batti chali gayi. अभी पता तो चलने दो यार, सेमीफाइनल में हम किससे खेल रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया मोस्ट प्रोबेबली. ऐसे आपने ऐसे हरा दिया पाकिस्तान को बिना मैच के? आप जैसे ही लोग अफवाहें उड़ाते हैं. अभी पहले मैच तो होने दो यार, है कि नहीं? पाकिस्तान ऑन इट्स डे कैन बीट एनी टीम यार, यू नो दैट. टॉकिंग अबाउट योर प्रोफेशनल कैरियर, से बदलापुर में जो आपने परफॉर्मेंस दिया जी, वो सुपर्ब था. अब नेक्स्ट कौन सा बिग स्क्रीन पे परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा? है, अभी दो तीन फिल्में रिलीज होने वाली हैं बाय द मिड ऑफ दिस ईयर. गौर हरी दास्तान है, कागज के फूल्स है, आइलैंड सिटी है, तीन फिल्में हैं. तो आप देख के बताइएगा आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा. और बदलापुर का जो रिस्पांस मिला व्यूअर्स से, क्रिटिक्स से, उससे आप कितने सेटिस्फाइड हैं? मैं सेटिस्फाइड इसलिए भी हूँ क्योंकि ये श्रीराम की पहली ऐसी फिल्म है जो कमर्शियली बहुत पसंद की जा रही है, और ये टिपिकल मेन स्ट्रीम सिनेमा नहीं है. तो ये हम लोगों के लिए, हमारे कैंप में, बहुत ही खुशी की बात है कि अलग तरह की कहानी को भी लोग देख रहे हैं, और वैसी फिल्में भी सुपर हिट हो रही हैं, हिट हो रही हैं. तो हमें लगता है कि जो मास ऑडियंस का टेस्ट है वो थोड़ा सा कहानी प्रधान फिल्मों की तरफ, उसका रुझान बढ़ रहा है. और ब्रांड की बात हो रही है, तो आपके लिए ब्रांड कितना मायने रखता है? यहाँ पर ब्रांड के लिए अवार्ड दिए जा रहे हैं जी जी, तो आईएफएफ के लिए, तो ब्रांड आपके लिए कितना मायने रखता है, कपड़े के स्टाइल में या फिर जूतों के ब्रांड में कितना मायने रखता है? यार आपको तो पता ही है, मैं कपड़े पहनने के लिए जाना जाता हूँ. मैं बचपन से कपड़े पहन रहा हूँ, और आपने मुझे बिना कपड़े के तो कभी देखा नहीं है. देखा है? नहीं देखा है ना? तो जी बिल्कुल. तो कपड़े पहनने का मुझे शौक है, इसलिए मेंस ब्रांड जो हैं आजकल बहुत अच्छे अच्छे स्टाइल के, अच्छे अच्छे फैशन के कपड़े बन रहे हैं. और मुझे लगता है कि पिछले 5-10 सालों में फैशन इंडस्ट्री में भी काफ़ी बदलाव आया है. देयर लॉट्स ऑफ ब्रांड्स हु आर गियरिंग टुवर्ड्स मेंस वेयर एंड मेंस एक्सेसरीज एंड मेंस शूज. एंड पहले तो सिर्फ पाटा के जूते पहनते थे हम, बट नाउ द चॉइसेज आर मैनी, एंड इट्स अ गुड थिंग फॉर ऑल्सो स्पेशली फॉर कंट्री लाइक आवर्स, वेयर वी आर अ डेवलपिंग नेशन एंड वी हैव मैनी चॉइसेज कम्पेयर टू वॉट वी हैड 20 ईयर्स. कम्फर्ट यार, कम्फर्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. इनके सवाल को इन्होंने काट दिया, आप लोग आप बाद में सेलेक्ट लेना. हाँ बोल. During the one act that you told that you know people recognize by your character as such, कि भीजा फ्राई वाला एक्टर है, and don't by name. Is that thing hurts you really? I mean, it doesn't hurt me. It's funny. Okay. It's funny that people come to me and they ask for autographs and they want to get a picture taken. And if I ask them what my name is, they say, आप वो भेजा फ्राई वाले एक्टर हो ना. So Bheja Fry has become a bigger brand now that we're talking about brand, which is great. It's lovely to be associated with it. I don't get hurt. I actually get very happy to see that the brand that I'm associated with is doing better than my own face. Okay. So it's a good thing. आप एक्टर हैं और फिल्मों में काम करते हैं, लेकिन इस साल फिल्मों को बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है, बिकॉज़ सेंसर बोर्ड के कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं कि हर एक फिल्म को कहीं ना कहीं वो रुकावट आ रही है. मुझे लगता है कि जहाँ कहीं भी आर्ट की बात है ना, सिर्फ फिल्मों में नहीं, साहित्य में भी, कला के दूसरे क्षेत्रों में भी, तो हर समाज का एक मापदंड होता है. और जब भी एक नया मापदंड बनाया जाता है, उसमें एडजस्ट करने में वक्त लगता है लोगों. जहाँ तक मेरा मशवरा है वो ये है कि जो आर्ट है वो एक फ्री रेंडिशन है, इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस. और उस क्रिएटिव प्रोसेस में बहुत सारे प्रतिबंध अगर लगाए जाएं तो प्रोसेस जो है थोड़ा मार हो जाता है, यू नो, इट गेट्स क्लिप्ड इन द विंग. सो आई थिंक द आर्टिस्ट शुड बी गिवन अ फ्री रेन टू थिंक एंड क्रिएट एंड परफॉर्म, एंड ऑफ कोर्स देन देयर आर बाउंड्रीज एंड यू हैव टू डू दैट विद इन द बाउंड्रीज, बट आई थिंक दैट लिबर्टी शुड ऑल्सो बी गिवन टू द आर्टिस्ट. थैंक यू. हर
Vinay, he wants a photo. Come, come. Yeah, thank you very much. शुरू 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 करो। सबसे पहले तो आज आपने शो को होस्ट किया है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का एक्सपीरियंस था? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आई मीन टू गेट इतने सारे जो फैशन ब्रांड्स हैं जो एक साथ आए हैं, और मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन जगह है जहाँ इतने सारे ब्रांड्स एक साथ आते हैं। जैसे आपने स्टेज पे देखा और सुना, दैट द इमेजेस फैशन फोरम इज अ प्लेस वेयर ऑल द ब्रांड्स कम टुगेदर, यू हैव स्पीकर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और फैशन की बहुत यहाँ पे फैशन इंडस्ट्री को कैसे डेवलप किया जाए बहुत बातचीत होती है, और अवार्ड दिए जाते हैं ब्रांड्स जो हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पहनते हैं, बट देन टू गेट देम कम्पीटिंग अगेंस्ट ईच अदर इज वंडरफुल टू सी, एंड टू सी हाउ मेनी पीपल हैव गॉटन सक्सेसफुल। मेरे लिए टू फील कम्फर्टेबल इन समथिंग यू वेयर इज समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्चुअली रियली यू नो वेयरिंग समथिंग दैट्स एक्सपेंसिव, मेरे लिए इतने मायने नहीं लगता, एज लॉन्ग एज आई एम वेरी कम्फर्टेबल इन व्हाट आई वेयर। स्टाइल इज जस्ट इट्स समथिंग दैट यू हैव और यू डोंट, ये एक चीज़ जो फैशन मैगजीन देख के हो नहीं सकती। आई मीन फैशन इज समथिंग यू कैन बाय, स्टाइल इज समथिंग यू हैव और यू डोंट हैव। बहुत ज्यादा इंडिया हैड अ क्लीन रन टिल नाउ, वी हैड नो लॉसेस एट ऑल एंड सीम्स लाइक अ ग्रेट टीम, एंड आई होप द जिंक्स डजंट गेट ब्रोकन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।